आई नेटफ्लिक्स पे एक जर्मन लिमिटेड सीरीज देखी है। इट्स नेम इज स्लीपिंग डॉग एंड इट इज बेस्ड ऑन अ इजराइल लिमिटेड सीरीज जिसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ये इट इज अ वेरी गुड शो। इट्स नेम वॉज एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑन विच दिस स्लीपिंग डॉग इज बेस्ड अपॉन। तो इसके अंदर बताया है कि एक पुलिस ऑफिसर है हु इज इन टू हाइडिंग फ्रॉम पास्ट 8 मंथ्स, और वो किसी से बात नहीं कर रहा है। इज इन टू डिप्रेशन, ही हैज लॉस्ट हिज जॉब, ही हैज एक्चुअली मूव्ड आउट ऑफ हिज जॉब एंड ही इज लिविंग लाइक अ बेगर और कहीं पे रह रहा है। और उसके और धीरे धीरे हमें बैकड्रॉप में जाके पता लगता है इन द बैकग्राउंड दैट देर वॉज दिस केस। इन दैट केस देर वॉज दिस पर्सन, अ जज वॉज किल्ड एंड दैट जज का द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ द जज उसको उसके बारे में ये जो हमारा जो एटलस नाम है इसका हीरो का, जो एटलस है उसने कन्विक्ट किया था उसको, बट इसको ही रिमेम्बर नथिंग अबाउट दैट। तो एटलस हैज नो रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरीज ऑफ द टाइम वेयर ही हैड कॉट रेड हैंडेड दिस यूसुफ यूसुफ पर्सन फॉर किलिंग दैट जज। बट एज द स्टोरी प्रोग्रेस देर इज अ डिटेक्टिव एंड दिस पर्सन यूसुफ ही किल्ड हिमसेल्फ इन दी यहाँ पे जेल के अंदर ही किल्ड हिमसेल्फ। और जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है वी गेट टू नो दैट दिस पर्सन वॉज गे बिकॉज इट इज अ नेटफ्लिक्स सीरीज, पीपल हैव टू बिकम गे और लेसबियंस, देर इज अ लेसबियन कपल टू ऑब्वियसली इन दिस शो बिकॉज नेटफ्लिक्स येस। और एक गे भी बताया है वो लड़का, और वो क्योंकि उसको डर था कि उसके पापा उसको मतलब उसके पापा जो है वो उसको बता देंगे कि उसको वो उनको पता लग जाएगा गे है, तो इसलिए उसके जो साथ में लड़का था कोरी कोरी उसने गवाही नहीं दी क्योंकि वो बचा सकता था। बट वो वापस आया तो बाहर आके बाद में पता लगा कि इसकी सुसाइड के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने भी अपने आप को मार लिया। तो जो जो डीए ऑफिस है वो बस इनको बचाने की, वो यही कह रहा है कि ये गैंग वॉर है, गैंग वॉर है, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। अल्टीमेटली वी गेट टू नो दैट जो असल एटलस है उसने ड्रग्स लेके एक किसी होमलेस पर्सन को गलती से मार दिया था, और उसको बचाने के लिए उसके पार्टनर ने, दोनों पार्टनर्स ने उसकी बॉडी ठिकाने लगा दी थी, बट किसी ने देख लिया था। तो और वो जो बंदा था वो जज के पास चला गया था, और जज जो था वो जज भी ट्राई कर रहा था कि इनको ब्लैकमेल कर रहा था, तो इसीलिए जज को भी इन्होंने ही मारा था। तो मतलब जो 4-5 मर्डर हुए हैं सब मर्डर इन्होंने किए थे अननोइंगली। इनके ही टीम में एक बंदा था, उसको लग रहा था ही इज प्रोटेक्टिंग हिज टीम बट ही हैड गॉन नट्स। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने शो को खत्म किया है। तो ये इंटरेस्टिंग शो है, शुरू में समझ सा कम आता है बट एज द स्टोरी प्रोग्रेस्ड आई लाइक दिस शो, इट कैन बी वॉच गुड लिमिटेड सीरीज।